नमस्कार दोस्तों, आज जौनपुर के इस सिराज हिंद के धरती पर आज हम एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसे इंसान से आपसे रूबरू होने कराने जा रहे हैं जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाना जाता है। आइए हम इनसे एक छोटी सी मुलाकात कराते हैं। हेलो सर, कैसे हैं जी? अच्छे हैं, और बड़ा सौभाग्य है कि अभी तक तो मुझे प्रदेश के लगभग सभी प्रशिक्षक जानते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी मेहनत, मेरे काम की वजह से जौनपुर के लोग भी जाने लगे हैं। अभी तक जब मैं यूट्यूब पे आया था या जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जब मैंने अपनी काम शुरुआत की थी, तो तभी लोग लगता था मैं तो दिल्ली का हूँ या मैं इलाहाबाद का हूँ। आज ही बहुत सारे जौनपुर के लोग या बहुत सारे लोग ये जानते हैं मैं इलाहाबाद का हूँ, लेकिन नहीं, ये इस बात में सच्चाई ये है कि मैं भी उसी सिराज हिंद से हूँ जहाँ से दीपक जी हैं। और वास्तव में ये सिराज हिंद की जो धरती है, जो ये मिट्टी है, कहा जाता था कि एक एक गांव से 47-47 ऑफिसर दिए हैं, सबसे ज़्यादा अध्यापक जो इस धरती ने दिए हैं, इस सिराज हिंद ने दिए हैं। वास्तव में इस मिट्टी में कुछ तो ऐसा है जो हम जैसे लोगों को और आप जैसे लोगों को ये पैदा करती है। कहीं ना कहीं ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस धरती पर रहने का, जन्म लेने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। दोस्तों, अभी मुझे भी इस जौनपुर के सिराज हिंद के धरती में, इस छोटे से प्रांगण में आए हुए 15 दिन भी नहीं हुए, लेकिन मैं सर की बात से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, क्योंकि हमारा पर्यावरण, हमारा गणित इतना ज़्यादा वीकनेस थी, और मैं, आपको पता ही होगा, मैं DL.ED 4 सेमेस्टर का छात्र हूँ, लेकिन इनकी बातों से, इनके कामों से नहीं बल्कि इनकी बातों से मेरे अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन उत्पन्न हुआ कि मुझे भी अब लगने लगा है कि मैं क्या 90 क्या मैं 120 गेन कर सकता हूँ। आइए हम आपसे सर से बात कराते हैं इनकी पढ़ाई के बारे में, इनके कामों के बारे में, क्यों इतने ज़्यादा ये तरक्की पे हैं, इनके कामों को। देखिए, काम का मतलब सीधी सी बात है, देखिए सबसे बड़ी मायने रखता है सफलता के लिए, रेगुलेटिव मायने रखती है, क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, डजेंट मैटर, आप स्कोर कितना बेहतर करते हैं। और स्कोर करने के लिए हम पढ़ते सब हैं, आप भी पढ़ते, हम भी पढ़ते, सब भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने भी पढ़ा 1 घंटे और हमने भी 1 घंटे पढ़ा, तो इक्वलिटी कहाँ है? हम बराबर हुए ना। इसका मतलब अगर आप 1 घंटे पढ़े, अगर हम 2 घंटे पढ़ेंगे तो हम आपसे बेहतर कर पाएंगे। इसलिए अगर पूरे प्रदेश में हर डेल का लड़का अगर 7 घंटे पढ़ रहा है, तो हम अगर 7 घंटे पढ़े तो कहीं ना कहीं अभी भी उसके इक्वल हैं। इसलिए हम जिस कोचिंग में, जिस विद्यालय में, जिस जगह है, उस जगह पे प्रथम रहने का प्रयास करें। अगर आप 50 लड़कों में हमेशा बेस्ट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के हर 50 लड़कों को बेस्ट में से आपकी गिनती होगी। इसलिए हमेशा आपको ज़िंदगी में हमें भी बेहतर करना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए, और सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ज़्यादा का मतलब, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो काम करने की उम्र होती है, या हम ये देखें भारत की जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या 33% है, और इसलिए बेरोजगार है। हम कहते हैं बेरोजगार क्योंकि मतलब हम कार्यशील जनसंख्या को जब उसके मुताबिक काम नहीं मिल पाता, तो हम कहते हैं बेरोजगार है। इसका मतलब हमारे देश में ये बात, इसका भी सौभाग्य है कि हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या, बेशक उसे उसके काम पर नहीं लगाया गया, लेकिन आप सभी से मिलकर ये अच्छा लगता है कि आप DL.ED कर रहे हैं, और DL.ED साथ साथ इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मेहनत और के मुताबिक अब जल्दी जल्दी सहायक अध्यापक का पद लें, और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज का जो अग्रणी हिस्सा है, जिसे कहते हैं कि वह प्रकृति की नींव, जहाँ से चाहे वो APJ अब्दुल कलाम जी हो, चाहे देश का राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, दुनिया कोई व्यक्ति हो, बिना प्राइमरी एजुकेशन के वहाँ तक नहीं पहुँचता। आप उस नाव के नौका हार बनने जा रहा है, उसके पालन हार बनने जा रहा है, तो ये आपका भी सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य है जो भारत के विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, कहीं ना कहीं वे आपके हाथों से जाएगा। इसलिए हमें चाहते हैं कि भारत के ये सभी नौजवान इस समय बेसिक में रहा, और जो बेसिक की दशा बिगड़ती जा रही है, उसमें आप जैसे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे और कुछ बेहतर करेंगे, और दुनिया को फिर विश्व गुरु बनाने का सपना जो दिख रहा है वो पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। आपको ये लगता होगा कि ये बनावटी कोई इंटरव्यू चल रहा है, बनावटी कोई डेमो चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सर की बातों से अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल पे आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जाके इनके यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, इनके वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो ऊर्जा, जो शक्ति, जिस उत्साह के साथ ये अभी अपनी बातों को रख रहे हैं, इनकी 1200 वीडियो पड़ी है, वहाँ पर जाकर आप इनकी क्षमता को देख सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।